हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिकोर स्पेस में आप सबको स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बड़ी इंटरेस्टिंग जगह लेके आए। आज हम आपको बताने वाले हैं जो घर के अंदर प्लांट्स वगैरह रखते हैं उनके द्वारा मेंटेनेंस वगैरह किस तरह की जाती है और कौन कौन से प्लांट्स हम रख सकते हैं। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं मिस्टर कन्वर पाल सिंह से और हम आज आपको लेके आए हैं एवरग्रीन नर्सरी में। हेलो सर, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इंट्रोडक्शन, आपने ये जो नर्सरी है किस तरह आपने स्टार्ट किया और किस तरह आपका ये नर्सरी का बिजनेस रहा अभी तक? देखो जी, ये साडा फैमिली बिजनेस है जी। मैं पहला तो अपना साड़ी स्टोर होंगे सी अजीत नगर के नर्सरी सी। 2019 के आप वाली नर्सरी जी है अपना इस्टैबलिश की, काफ़ी ज़्यादा इनडोरस आउटडोरस और पॉट्स की रेंज मिल जाएगी। तो हम बेसिकली बात कर लेते हैं, जो हमारे जो आजकल लोगों को बहुत कम नॉलेज होता है कि घर के अंदर कौन से प्लांट्स वगैरह इंस्टॉल करने चाहिए और उनकी जो मेंटेनेंस है वो किस तरह करनी चाहिए। तो इंडोर्स दे विच तुसी एग्लोनिमा दी स्पीसीज रख सकते, जिवें कि एग्लोनिमा पिंक लिपस्टिक, एग्लोनिमा स्नो वाइट, तो जिवें आ जीजी ब्लैक, इन्दे विच तुहानू ग्रीन कलर भी मिल जाएगा जी। ये काफ़ी वरायटीज़ है जो तुम इनडोर रख सकते। पाम्स के एरिका पाम्स हो गए, इन्हों की केयर करने लिए आपां पहले नंबर पर तो इन्हों मीडिया यूज़ करना है जी। सोयल की जगह पर आप कंपोस्ट यूज़ करनी, मिक्सचर कंपोस्ट मिक्सचर यूज़ करना है। हाँ जी, मैं तुम्हें सारी वो दिखा दिना जी कंपोस्ट कि यूज़ होंगी। ये तो सर, अगर हम बात करें आउटडोर प्लांट्स की, तो हमारे पास क्या आउटडोर प्लांट्स भी यहाँ पर? आउटडोर भी काफ़ी रेंज मिल जाएगी जी। ये हैगी बेस्ट अपने इंपोर्टेड दे विच आ जाते जी। इन्हों आप बोनसाई भी कह सकते हैं और एस शेप भी कह सकते हैं। वो है मल्टी टपोरिस, इन्हों की हाइट तुम मिल जाएगी नियर अबाउट 4 feet to 10 feet तक मिल जाने जी। ओके, तो सर इनको ग्रो करने के लिए कितना की टाइम लग जाता है अगर हम यहाँ आउटडोर में इंस्टॉल करते हैं? इन्होंने देखो यदि ग्रोथ ज़्यादा नहीं होएगी जी अपने इतने, इनके लीव्स ज़्यादा आएंगे। यदि हाइट जो है ये इन्नी ही रहेगी, इनके लीव्स जिमें कि आ देखो तुम देख रहे हो ये प्लांट है, ये तो ग्रोथ होकर आ चीज़ बन जाएगी इस चीज़ से, ये चीज़ हमारा बन जाएगा। हाँ जी, ये बन जाएगी। ओके, हाइट नहीं बढ़ेगी इतनी। तो सर अगर इसके भी हम बात करें, जो बात वहीं पर आती है कि मेंटेनेंस वगैरह भी किस तरह, क्योंकि मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा इशू रहता है, क्योंकि कई लोग इसको इन प्लांट्स को इंस्टॉल तो करवा लेते हैं लेकिन उनको मतलब ढंग से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। सब तो पहला था जी, जो इनू प्लांट करना है इनके थले अपना थर्माइट कंट्रोल जोड़ा है वो जरूर पाना है जी, क्योंकि जो आप एक अलग पोटेड प्लांट आप लगाई सोयल के काफ़ी इनसैक्ट्स जोड़े अटैक करना शुरू कर देंगे। वो तुम मेडिसन लगाते रहोगे तो इनू कोई दिक्कत नहीं है, जीरो मेंटेनेंस प्लांट्स। जीरो मेंटेन, ओके। देखो विकास जी, जिमें कि आप थोड़े जे डेली यूज वाले प्लांट्स भी दिखा दें। यह है ऑल स्पाइस, हर किचन के यूज होने वाला स्पाइस। सेम, इसकी खुशबू बहुत ही अलग है और ऑरगैनिक तरीके दे नाल तुसी किसी भी दाल सब्जी नू इवन के चाह दे विच भी तुसी टी दे विच भी यूज कर सकते हो। यूज कर सकते हैं इनको, बहुत अच्छा प्लांट है जी और ये एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दे विच कामयाब है। एक्सट्रीम क्लाइमेट्स के भी सर्वाइव कर जाता सर्वाइव है, इजीली सर्वाइव कर, इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। और सर अगर हम इसकी बात करें कि तो ये हम कब कब इस प्लांट्स को मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर कोई इसकी टाइमिंग वगैरह कब भी? वैसे तो इनकी कोई मेन टाइमिंग नहीं है, पर बेस्ट सीजन हैगा जुलाई या फिर मार्च फरवरी, फरवरी मार्च के ईजीली प्लांट्स लगते हैं जी। पर ये प्लांट्स जोड़े है साढ़े को रेडी होंगे ने, तुम जो मर्जी खरीद सकते हो, जब मर्जी इसकी टाइमिंग जो मर्जी खरीद सकते हो। हाँ जी, देखो जी मैं तुम्हें थोड़े जे प्लांट्स दिखा देना है, कोई टेबल के उपर रख सकते हो अपना जी। तो अलावा बोनसाइज भी आ जाते हैं जी। ये आजकल जो प्लांट्स है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। हाँ जी, ये वाले ये क्योंकि काफ़ी शेप्स आ जाएंगे, वो भी प्लांट इधर ही एक शेप हैगी है। ये मेन आउटडोर के लिए, आउटडोर सब अपने आउटडोर के लिए यूज होते हैं। इन दिन मेरे को थोड़े जे स्पेशल मैंगोज के भी आ जाएंगे बोनसाइज देखो। तो हम हमारे पास यहाँ पे हर तरह के लगभग प्लांट्स वगैरह इंस्टॉल करने के लिए मिल जाते हैं। हाँ जी, आउटडोर जाएं आउटडोर इनडोर सारे मिल जाएंगे जी। पॉट दे विच ही थाने चीकू लगे हुए। अच्छा, हम चीकू को पॉट्स के अंदर भी अपना उगा लगा सकते हैं जे तुसी अच्छी फ्रूटिंग लेनी है तो 24 इंच का पॉट लगा सकते, ये तो छोटे पॉट ने।
अच्छा, इसमें पॉट्स का भी इशू हो सकता है कि हमें कितने साइज का पॉट लेना है? फ्रूट प्लांट नो 24 इंच पॉट चाहिए। ये मैक्सिमम साइज है या मिनिमम? स्टैंडर्ड साइज इसका कोई मैक्सिमम मिनिमम से 24 इंच चाहिए। ओके, तो ये हर प्लांट के लिए जरूरी है या फिर फ्रूट प्लांट के लिए जरूरी या सिर्फ अपने स्पेसिफिक एक फ्रूट प्लांट दे ली अपन 24 इंच चाहिए था, बाकी नॉर्मल नु अपा 12 इंच 14 इंच 16 इंच सारे इंच लगा सकते हैं, वो जैसे मर्जी वेरी करता है प्लांट टू प्लांट, प्लांट्स के ऊपर वेरी करता है। हां जी, एक आप प्लांट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जी, फिडल लीफ फिग, इंडोर आउटडोर दोनों जगह चल रहा है, ये दोनों मल्टीपर्पज है, इनके लागे जे तुसी इनु ये अपने नर्वस सिस्टम वास्ते बहुत ही अच्छा प्लांट है, नर्वस सिस्टम के लिए। हां जी, ओके, तो इसका किस तरह का मतलब इनू ਤੁਸੀਂ वैसे तो इनू कई एज अ मेडिटेटिंग प्लांट भी कहते हैं जी, पर इनू ਤੁਸੀਂ अपने डेली 15 टू 20 मिनट्स ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਦੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ अच्छा है प्लांट है, बहुत मतलब अपने मेडिकल हेल्थ के लिए। हां जी हां जी, बहुत मतलब अच्छा, बहुत बढ़िया है, यूजेबल है। हां जी, ओके, तो इस तरह के मेडिकल प्लांट्स या मतलब और भी या सिर्फ इस पैसे 15 टू 20 36 10 बाकी विंटर्स दे विच काफ़ी रेंज बढ़ जाती है। ओके, दे विच फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, नॉर्मली 10 स्पीसीज जी वो चलती है, नॉर्मल 10। हाँ जी, हाँ। ओके, और इसके कहते प्राइस की बात करें, अगर इसका प्राइस मैक्स मिनिमम से मैक्सिमम कितना की रहे? वो तुहाडा डिपेंड करता जी, मेनली तुसी अपना हैंगिंग दी जिहड़ी हैगी बास्केट कि कंपनी की यूज़ कर रहे हैं, हूँ जिमें कि नर्सरी हैंगिंग है वो 50 rupees तो भी शुरू हो जाती है। हाँ जी, उही जे तुसी कंपनीज दे विच चले जाओ 100-150 तक भी चले जाती है, प्लान जो नॉर्मली है वो 150-100-200 मैक्सिमम इतने तक चला जाता है, 200 मैक्सिमम इससे 200। हाँ जी, ओके, तो सर हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो वीडियोस को देखते हैं, तो अगर उन्होंने यहाँ नर्सरी को कॉन्टैक्ट करना है या फिर यहाँ से कुछ प्लांट्स वगैरह अपने इंटीरियर पर्पजेज या आउटडोर पर्पजेज के लिए लेके जाने, तो कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? देखो जी, अपनी मेन रोड जी करतारपुर रोड हैगी है। हाँ जी, उसके ऊपर ही अपनी नर्सरी हैगी है। हाँ जी, ओपोजिट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अच्छा, तो बाकी मैं कॉन्टैक्ट तुहानू दस दिंदा है जी, अपना जो अपने तीन कॉन्टैक्ट नंबर चलते हैं, वो तीनों मैं तुम्हें अपना दे दिना, तुम वीडियो के एंड पे पा देना जी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने आज आपको बहुत अच्छे नर्सरी दिखाई जिसमें आपको हर तरह के प्लांट्स देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट सर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट दे देंगे। अगर आपको प्लांट्स यहाँ पर कुछ भी आउटडोर के लिए इनडोर पर्पजेज के लिए लेना है, सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।